Who was appointed as the constitutional advisor of the Constituent Assembly? Correct answer is B.N. Rao. Next question. Choose non-constitutional bodies. Options है CAG, UPSC और नीति आयोग. यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नीति आयोग. राइट, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. विच आर्टिकल इज अबाउट इक्वलिटी बिफोर लॉ? कौन सा आर्टिकल इक्वलिटी बिफोर लॉ से जुड़ा हुआ है? तो गाइस करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 14. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एंटी डिफेक्शन लॉ इंक्लूडेड इन विच स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भाई कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से स्केड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ इंक्लूडेड है? राइट, तो यहाँ आपको इसका आंसर देना है. चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना. राइट, ओके, चलिए हम ही बता देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इंक्लूड्स इन विच स्केड्यूल? राइट, तो भाई ये कौन से स्केड्यूल में इंक्लूडेड है? करेक्ट आंसर होगा स्केड्यूल नंबर 4. चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों. चूज करेक्ट स्टेटमेंट. द फंडामेंटल राइट्स आर इनश्राइन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 36. पहला स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट हमें कहता है इन दिस रिगार्ड द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA बिल्स ऑफ राइट्स. राइट, देखिए यहाँ पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है और स्टेटमेंट बी यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? आर्टिकल 17. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. केशवानंद भारती केस 1973, मिनर्वा मिल केस 1980, गोलकनाथ केस 1967. यहाँ पर आपको करेक्ट पेयर को चूज़ करना था और देखिए ऊपर दी गई तीनों ही जो एक तरीके से स्टेटमेंट है ये सही है, करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर ऑटोमेटिकली इनश्राइंड ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड, पहला स्टेटमेंट है. और दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों DPSP प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी. अब इन दिए गए दो स्टेटमेंट में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था और यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर बी ही करेक्ट स्टेटमेंट है. राइट, देखिए काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर को क्लिक किया है, आप देख लेना. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट. दे एम एट एस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री. पहला स्टेटमेंट है दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल. ओके, दे आर वॉट, ये क्या है, फंडामेंटल राइट है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है दोस्तों? ओके, क्या है, आपको क्या लगता है बोलिए. तो देखिए यहाँ पर ये होंगे हमारे क्या कहते हैं इसे, फंडामेंटल राइट्स. राइट, करेक्ट आंसर है. ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर करेक्ट आंसर को ही क्लिक किया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चूज इन करेक्ट. द फंडामेंटल राइट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पहला स्टेटमेंट है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट, अब यहाँ पर दिए गए दो स्टेटमेंट में से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना था. ओके, तो गाइज यहाँ पर देखिए जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. राइट, इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है. क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना था. आगे चलते हैं. हाउ मेनी आर्टिकल एडेड टू ओरिजिनल लिस्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 4 आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं. ओके, आर्टिकल ब्लैंक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेंक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड इंश्योर जस्टिस फॉर ऑल. कौन सा आर्टिकल है, यह है दोस्तों 39A. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच आर्टिकल इज अबाउट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन? ओके, यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोस्तों आर्टिकल 45. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस. आर्टिकल कौन सा आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 44. ओके, मैंने भी गलत आंसर को क्लिक कर दिया, आर्टिकल 44. राइट, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट एंड डायरेक्शन डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन बी क्लासिफाइड इन टू सोशलिस्ट गांधीयन लिबरल इंटेलेक्चुअल चूज करेक्ट गिवन कोड. ओके, तो देखिए यहाँ पर ये तीनों ही तरीके से क्लासीफाई इन्हें किया जाता है. राइट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों. DPSP नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, पहला स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट है दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन. अब इन दिए गए दो स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना था, यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. तो आज के लिए बस इतना ही. राइट, ये था हमारा डे 2 क्विज 2, डेट है आज की 29/5/2020. धन्यवाद.